सो गाइस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम और एबी डिविलियर्स और विराट कोहली का कॉम्बो ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब बहुत ही ज्यादा इनकम्प्लीट लगती है आरसीबी की टीम एबी डिविलियर्स के बिना। और आईपीएल से जस्ट पहले एबी डिविलियर्स ने जो है संन्यास की घोषणा कर दी गई थी, और उसके बाद से फैंस की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है कि भाई साहब अब 2023 में एबी डिविलियर्स की आरसीबी की टीम में वापसी होना चाहिए, मतलब किसी भी रोल में वापसी होना चाहिए, लेकिन वापसी होना चाहिए। और गाइस, अब एबी डिविलियर्स ने जो है मतलब फैंस की भी सुन ली गई है और विराट कोहली की भी डिमांड सुन ली गई है। तो आज की वीडियो में हम चलो बात कर लेते कि एबी डिविलियर्स जो है मतलब किस रोल में वापसी करने वाले हैं, क्या एज अ प्लेयर करने वाले या फिर एज अ मेंटोर करने वाले, या फिर आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एबी डिविलियर्स के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए फटाफट से। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और एबी डिविलियर्स की वापसी की सबसे पहली डिमांड थी आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली की। जी हां दोस्तों, विराट कोहली ने अभी कुछ दिन पहले हिंट दिया था और विराट कोहली ने बोला था कि मतलब एबी डिविलियर्स की अगले साल वापसी हो सकती है, इन सम कैपेसिटी वापसी हो सकती है। और उसके बाद से फैंस की भी बहुत ज्यादा डिमांड थी और उसके बाद से मतलब बहुत ज्यादा अफवाहें भी फैलने लगी कि मतलब एबी डिविलियर्स जो है एज अ प्लेयर वापसी कर सकते हैं, लेकिन विराट कोहली ने सिर्फ इतना ही बोला था कि इन सम कैपेसिटी वापसी हो सकती है। और कल एबी डिविलियर्स का भी बयान आ चुका है ऑफिशियली। उन्होंने बोला है आई विल बी अराउंड आरसीबी नेक्स्ट ईयर, आई एम मिसिंग, आई डोंट नो विच कैपेसिटी, बट आई वुड लव टू रिटर्न, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी हां दोस्तों, एबी डिविलियर्स का आप वीडियो भी देख सकते हो। I'm glad to hear Virat's confirmed it. to be honest, we haven't decided on anything yet. I will definitely be around the IPL next year. I'm not sure in what capacity, but I am missing getting back there. I've heard a little bird tweeting saying that there might be some games in Bangalore next year. So I would love to return to my second hometown and watch a full capacity stadium there, the Chinnaswamy again. So I would love to return. तो गाइस, आपने ये वीडियो तो देख लिया, आप बात कर लेते कि एबी डिविलियर्स की अगले साल के आईपीएल में मतलब किस रोल में वापसी होने वाली, किस तरह से वापसी कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में होगा वो ये है कि क्या एज अ प्लेयर करने वाले, एज अ खिलाड़ी खेलने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एज अ प्लेयर जो है बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे, 10% चांसेस है एज अ प्लेयर के। और अगर एज अ प्लेयर एबी डिविलियर्स ने वापसी कर ली तो आरसीबी की टीम बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और आरसीबी के फैंस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो एज अ प्लेयर के तो अभी 10% चांस है, क्योंकि आईपीएल से जस्ट पहले उन्होंने रिटायरमेंट लिया गया था और मेरे हिसाब से ऐसा प्लेयर नहीं करने वाले हैं। ऐसा मेंटर के 90% चांसेस है, ये तो पक्का है कि एबी डिविलियर्स मतलब अगले साल दिखने वाले हैं, लेकिन ऐसा मेंटर के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो मेरे हिसाब से ऐसा मेंटर वापसी कर सकते हैं और ऐसा कोच भी वापसी कर सकते हैं, एबी डिविलियर्स जो है मतलब अगले साल के आईपीएल में दिख सकते हैं। आपके हिसाब से मतलब कौन से रोल में दिखने वाले, आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और एबी डिविलियर्स ने यह भी बोला था कि सेकंड होम टाउन मेरा बैंगलोर का है, तो मैं बैंगलोर में वापसी करने वाला हूं अगले साल। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। बाय बाय।